जगह है, हम लोग ऐसे नेपाल के हैं, मेरा घर जो नेपाल के काठमांडू से, जो हम लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, और क्या कहते हैं नेपाल जो हम लोग का माउंट आबू मेन विश्व का सेंटर है, हम लोग ईस्टर्न जो बंगाल बोलते हैं, बंगाल नेपाल है ना, और बिहार से है, उसमें भी बड़े क्या कहते हैं जो हम लोग जनकपुर जो बोलते हैं उसी का है। ऐसे हम लोग माउंट आबू थे, चलो सोमनाथ जाना था, सोमनाथ जाना था, और सोमनाथ के लिए टिकट कटी, तो हम तो थोड़ा क्या कहते हैं मैं शंकर जी बनता था, मैं वायरल भी विश्व लेवल पे, मैं अपना टिकट कटाया था, ये वो लोग हमने राज करता करा, ये लोग कटाया जाता तो सब ग्रुप में यहाँ तक आ गए, हम लोग का यहाँ आने का व्यक्तिगत मेरा मन नहीं था, चलो सोमनाथ है मैं शंकर जी बनता हूँ देखे, मैंने सबको दबाव दिया था, मेरा ही वजह से टिकट कटा, उसको बाद कटा, ये आगे थे सोमनाथ के लिए द्वारकापुर भी है, चलो हम लोग कृष्ण बनते हैं, कृष्ण का राज होगा, कृष्ण का यादगार देखने आ गए थे, अंतिम में बोले महात्मा गांधी भारत का जाते वो भी देख ले, इसीलिए यहाँ तक आ गए थे। लेकिन ये हम लोग भक्ति मार्ग के नहीं, हम लोग ज्ञान मार्ग के लोग, ये एक हम लोग जो क्या कहते हैं इसका कहने का उद्देश्य, ओम शांति क्या है, ओम शांति एक स्कूल है, जो स्कूल में अच्छा बनने की पढ़ाई होती है, इंजीनियर डॉक्टर पढ़ने की पढ़ाई, तो ये भी एगो आचरण सुधार एम ऑब्जेक्ट है, नर ऐसा कर्म करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसा कर्म करे कि लक्ष्मी नारायण बन जाए, ये लक्ष्मी नारायण बनने की एगो स्कूल है जो विश्व का उच्च शिक्षा देती है, जिसमें खास करके दुनिया में जितना आश्रम है पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान है, इसमें पहले दादी ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा था जो गुजरात से आए थे और ज्ञान दिया था, देखिए एक बहन जी है, देखिए इधर भी है, हम लोग का इंचार्ज है, ये नहीं है देवियां हैं, देवियां कैसे हैं ब्रह्मा कुमारी में आगे पता चलेगा, हाँ ये जो बहन लोग होती है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा थे, प्रजापिता ब्रह्मा जो क्या कहते हैं जो अंग्रेज का 1937 में इसका स्थापना हुआ, और उसका था सिंध में, उसका दादा लेखराज नाम था, उसने बहुत बड़ा तपस्या किया, बम्बई में किया, पहले एक जोहरी था, और जोहरी के बाद में भगवान उसमें प्रवेश किया, तो उसका आंतरिक संस्कार अच्छा था, देवता का देवत्व तुल्य था, फिर जहाँ कलकत्ता का बड़ा सेठ जैसा हो गया, उसके बाद में परमात्मा उनके पास लिया ड्रामा अनुसार, तो उन्हें अपने सारा संपत्ति ट्रस्ट के नाम में करके एक उनको आचरण के दुनिया का स्वर्ग बना, उसको यादगार उसका फरिश्ता रूप का याद दिला, तुम ही तत्तम सब तुम ही शुभ हो और तुम ही इस दुनिया इस द्वारा स्वर्ग फिर सजुगाएगा, इतना ज्ञान दिया, और उसके बाद में क्या प्रजापिता अपने जुड़ा इतना संपत्ति था उसने उसमें डाल दिया कि 9 लाख चांदी का रुपया, और उसके बाद फिर आ गया यहाँ और उसको क्या करो भगवान ने उसको, तो अभी जो सज्जू का राज लाने वाला था, और अभी देखिए कल जो राम का रामराज हो गया था 22 तारीख का, देखिए प्रजापिता ब्रह्मा ने किया तो वचन त्रेता आ गया, फिर सज्जू भी आ जाएगा। तो ये भाई जी है ना, ये नेपाल से हैं, मैं भारत से हूँ, मैं दिल्ली जोन से हूँ, फरीदाबाद जिले से, तो कल जब मैं चला था ना तो मुझे ऐसा लगा ट्रेन में मैं ही अकेला हूँ, जब मैंने ट्रेन को देखा ना बाबा के इतने सारे बच्चे, चलो वो बाबा के बच्चे मधुबन भी उतर गए, मगर यहाँ भी देखा उनके यार हम फिर अकेले, और भी बाबा के इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, कि अकेलापन तो वैसे तो खैर बाबा मेरा संगी रहता, अकेलापन तो खैर कहना गलत है, हाँ बाबा तो साथ रहता है, तो ये दर्शक भी ये भी कहना चाहता हूँ, अभी मैं